Question number 101. In the liver bilirubin is converted to, लिवर में बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट होता है? ऑप्शन है बिलीरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइट, यूरोबिलिन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइट। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में लिवर में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ही एक फॉर्म है और इसका हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है, वो बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसिस इज डिक्रीज इन हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी यानी वंशानुगत खून की बीमारी में निम्नलिखित इंडाइसिस में से कौन सी डिक्रीज होती है? MCV, MCH, MCHC, MPV। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी MCHC। लो MCHC में हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस होता है। ये एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें RBC अफेक्ट होते हैं और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। जॉन्डिस और स्प्लेनोमेगाली इससे होता है। ये हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस एक या ज़्यादा जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 103। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज यूज इन प्रिपेयरिंग लेशमैन स्टेन इज। कौन सी स्टेन के कॉम्बिनेशन को लेशमैन स्टेन बनाने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है जेन्सन वायलेट प्लस इयोसिन, जेन्सन वायलेट प्लस सेफ्रेनिन, मिथिलिन ब्लू प्लस इयोसिन, क्रेसल ब्लू प्लस इयोसिन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिथिलिन ब्लू प्लस इयोसिन। ये दोनों स्टेन को कॉम्बिनेशन करके, दोनों स्टेन को मिला के लेशमैन स्टेन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज ऑप्शन है 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.5 to 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1.0 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.10 to 0.80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू। नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू। नेगेटिव ब्लड किससे दे सकते हैं या किसे ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है? ऑप्शन है RH पॉजिटिव रेसिपिएंट, RH नेगेटिव रेसिपिएंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेगेटिव ब्लड दोनों को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव ब्लड वालों को डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन लेबोरेटरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गैस कलेक्टेड। लेबोरेटरी में निम्नलिखित मेथड में से कौन सी मेथड है जिसमें गैस कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सब्लिमेशन मेथड, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस मेथड में गैस कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज रेंजिंग फ्रॉम। ब्लड का नॉर्मल पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7.35 टू 7.45। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे 7 कॉमन है, आपको 35 से 45 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108। All are capsulated bacteria except यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसको छोड़कर या किसके सिवा सभी बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है। ऑप्शन है न्यूमोकोकस, क्लेब्सिला, विब्रियो कोलेरा, एच इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के सिवा सभी बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे कैप्सूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो सुनिए। कैप्सूल जिसे के एंटीजन भी कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया का मेजर वायरुलेंस फैक्टर है। ये आउटर सेल एनवेलप के ऊपर पॉलीसेकेराइड का लेयर है, वो इजीली वॉश आउट नहीं होता। ये कैप्सूल है वो बैक्टीरिया की डिसीज कोज करने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं और कैप्सूल की वजह से ही बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस से बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूक्लिक एसिड कैन बी एनालाइज एक्सपेरिमेंटली बाय। एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लिक एसिड का एनालिसिस निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है मोलिकुलर वेट, एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑल द फॉलोइंग स्टेन्स कैन बी यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एक्सेप्ट। निम्नलिखित स्टेन में से कौन सी स्टेन के सिवा सभी स्टेन का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है लेशमैन स्टेन, एच स्टेन, राइट स्टेन, जेन स्टेन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एच एंड ई स्टेन। ये एच एंड ई स्टेन है वो हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपको पता होगा। और ये जो ऑप्शन ए, सी, डी, ये तीनों ऑप्शन है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाने के लिए वो स्टेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द आरएनए कंटेनिंग रेड सेल एज कंपेयर टू अ रेड सेल इज। रेड सेल आरएनए युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में कैसा होता है। रेड सेल आरएनए युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में कैसा होता है। लार्जर, स्मॉलर, ऑफ द सेम साइज, नॉन ऑफ द एबोव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लार्जर। रेड सेल आरएनए युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में लार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इथेनॉल सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड। इथेनॉल सॉल्यूशन के जिसमें 5% वाटर होता है उसे क्या कहा जाता है और किस नाम से पहचाना जाता है। ऑप्शन है बियर, वार्निश, रेक्टिफाइड स्पिरिट, परफ्यूम। हियर इज द राइट आंसर इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 113। रेटिकुलोसाइटोसिस फॉलोइंग हेमरेज इज मैक्सिमम आफ्टर। हेमरेज की वजह से रेटिकुलोसाइटोसिस होता है तो वो मैक्सिमम कितने समय के बाद होता है। ऑप्शन है 24 आवर्स, 15 डेज, 4 to 7 डेज, 48 आवर्स। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आफ्टर 24 आवर्स। हेमरेज के 24 आवर्स के बाद रेटिकुलोसाइटोसिस होता है, जिसमें रेटिकुलोसाइट्स से वो रेटिकुलोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आयरन ऑफ हीम बाइंड्स विथ ग्लोबिन थ्रू द एमिनो एसिड इज। हीमोग्लोबिन में जब हीम का आयरन है वो ग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो वो किस एमिनो एसिड के द्वारा बाइंड होता है। ऑप्शन है हिस्टिडीन, फ्रोलाइन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के द्वारा आयरन है वो ग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर आरबीसी काउंट एरर। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी काउंट में एरर आने का रीजन है। ऑप्शन है फेलर टू गेट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम फिंगर फ्रिक विदाउट स्क्वीजिंग। ऑप्शन बी है प्रोलोंग स्टेज ड्यू टू टोर्निकेट। ऑप्शन सी इनएडिक्वेट एडमिक्सचर विथ एंटीकोगुलेंट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन ए में कहा गया है कि जब फिंगर फ्रिक करते हैं तब फिंगर को स्क्वीज किए बिना फ्री फ्लो में ब्लड नहीं आता। ऑप्शन बी में कहा गया है कि टोर्निकेट के कारण लंबे समय स्टेजेस की वजह से ये जो रीजन है आरबीसी काउंट का बन सकता है। ऑप्शन सी में कहा गया है कि एंटीकोगुलेंट के साथ अपर्याप्त मिक्स होने से। तो ये सभी ऑप्शंस आरबीसी काउंट में एरर आने का रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी। वैसे तो पिट्यूटरी है लेकिन यहाँ पिट्यूटरी के दो पार्ट दिए हैं, इसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 117 RBC count is increased in all of the following conditions except। नीचे दिए गए कंडीशन में से किस कंडीशन को बात करके या किस कंडीशन के सिवा सभी में RBC count बढ़ता है। ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड, पॉलीसिथेमिया वेरा, सीवियर डिहाइड्रेशन, एनीमिया। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनीमिया। एनीमिया में आरबीसी काउंट है वो डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से द बफी कोट लेयर कंजिस्ट ऑफ। बफी कोट लेयर किस से बना होता है या बफी कोट लेयर में क्या होता है। ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पेट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। Here is the right answer is option A WBC white blood cells। मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि बफी कोट में क्या होता है। बफी कोट में WBC और प्लेटलेट दोनों होते हैं। आइए मैं आपको इमेज शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 Which of the following are necessary for determining the absolute blood indices? Absolute blood indices determine करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या जरूरी है। ऑप्शन है प्लेटलेट काउंट, HB ग्राम परसेंटेज, PCV यानी HCT, all of the above। Here is the right answer is option B HB ग्राम परसेंटेज। दोस्तों MCH, MCHC, MCV ये सभी इंडाइसिस की वैल्यू पाने के लिए हमें HB की वैल्यू की ज़रूरत होती है। HB की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है HB ग्राम परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 120 डैश इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। खाली जगह का उपयोग ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, एनी ऑफ एबो। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनी ऑफ एबो। एबो में दिए गए तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट से ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं, यानी सभी टेस्ट ग्लूकोज का पता लगाने के लिए है। Thank you for watching.